नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम दिसमन कार्बोजन एमिक्स लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस में एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आने वाला है, जिस टाइप का चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो डिटेल्स में हम कवर करते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड उस स्टॉक का इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे फार्मा का एंड जो इंडस्ट्री है फार्मा इंडियन बल्क ड्रग्स का, एंड ये जो स्टॉक का मार्केट कैप है अराउंड 2781 करोड़ का, एंड इस कंपनी के पास रिजर्व कैश है 5739 करोड़ का। मार्केट कैप से डबल इसके पास रिजर्व कैश है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। करंट प्राइस चल रहा है 107 का एंड इसका बुक वैल्यू है 368, तो प्राइस टू बुक वैल्यू बन रहा है 0.48। देखिए करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू से आधा दाम पर चल रहा है। डेप्ट इक्विटी देखेंगे 0.4, जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी बिलो 1 आप उसको पॉजिटिवली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे नेगेटिव 5%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 8% एंड लास्ट 1 ईयर से स्टॉक का प्राइस 98% डिलीवर किया है। अगर आप लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे उतना कुछ बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। अभी जो 98% डिलीवर किया है रिटर्न, वो डिलीवर किया है लास्ट 1 ईयर से। अगर अभी हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर इसका सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे, देखिए सेल्स तो यहाँ पे अगर प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे वो डाउन है। यहाँ पे जैसे कि जून 23 में था 723 करोड़ का एंड अभी है 587 करोड़ का। लेकिन अगर नेट में देखेंगे लास्ट 5-7 क्वार्टर का तो सेल्स यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे अप डाउन चल रहा है। एक क्वार्टर में प्रॉफिट, एक क्वार्टर में लॉस, तो यहाँ पे उसको नेगेटिव ले सकते हैं। प्रॉफिट जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है, लेकिन जिस टाइप का अभी चार्ट सेटअप दिखाई दे रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले टाइम में इसका जो नेट प्रॉफिट है ग्रोथ हो सकता है। देखिए प्राइस हमेशा से फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। अगर आगे आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट में कुछ पॉजिटिवनेस, ग्रोथ में पॉजिटिवनेस आने वाला होगा, प्राइस उसको पहले ही डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि स्टॉक का प्राइस में अभी शो कर। अगर अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोमोटर होल्ड कर रहे हैं 59.32%, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, अबव 50% है। FI के पास माल है 8.8%, आप इसको बैलेंस क्वांटिटी मान सकते हैं। DI यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 3.51% एंड DI यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं एंड पब्लिक के पास यहाँ पे होल्डिंग है 28.37%। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड के ऊपर है, लेकिन पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर का क्वांटिटी देखेंगे तो बिग इन्वेस्टर देखिए यहाँ पे 5% के आसपास कर रहे हैं। तो पब्लिक के पास टोटल माल यहाँ पे 8.3 एंड बिग इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 5%, तो यहाँ पे टोटल पब्लिक होल्ड कर रहे हैं नियरली 23% के आसपास, जो कि स्लाइडली रेड फ्लैग है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन अबव 20% आप उसको रेड फ्लैग कंसीडर कर सकते हैं एंड इस स्टॉक में जो रिटेल पार्टिसिपेशन है 23% के आसपास है। तो देखिए सारा पैरामीटर देखेंगे तो एंड टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि टेक्निकल चार्ट यहाँ पे विन हो सकता है, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आफ्टर द मल्टी ईयर डाउन ट्रेंड। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है डिसमन कार्बोजन का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे तो प्राइस देखिए यहाँ पे टॉप बना था 2018 में, उसके बाद प्राइस देखिए जब भी इस ब्लू लाइन के आसपास आ रहा है, प्राइस को देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे सप्लाई मिला है एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि जिस टाइप का प्राइस देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है ना, इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है एंड इनिशियल देखिए यहाँ पे प्राइस हायर हाई फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो ब्लू लाइन जा रहा है ये हो गया उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस, जो कि लेवल बन रहा है यहाँ पे अबव 200 एंड इस टाइम शायद प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देगा, जिस टाइप का अभी हायर हाई फॉर्मेशन शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली अभी वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन ऑलरेडी प्राइस कंस्ट्रक्ट कर चुका है एंड जिस टाइप का अभी सेटअप शो कर रहा है, आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस जैसे यहाँ पे 200 लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा 257 एंड नेक्स्ट जाकर उसका लाइफ हाई को टेस्ट करेगा 380। तो यहाँ पे 257 एंड नेक्स्ट 380, इस दोनों टारगेट को प्राइस टेस्ट कर सकता है जैसे ही मल्टीयर का ब्रेकआउट करेगा एंड उसका साइन अभी देखने को मिल रहा है, देखिए हायर हाई फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, जो प्रीवियस स्विंग लो वहाँ पे हम एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में शो कराता हूँ
तो देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो है 130-150 यहाँ पे हम एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं, जो कि आगे आ जाए हमारा स्टॉप लॉस। एंड यहाँ पे देखिए हायर हाई फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम में भी प्राइस कंसीडर किया है, उसके साथ डेली टाइम फ्रेम में। एंड सेटअप हमारा यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा अगर प्राइस उसका प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर देगा, जो कि बिलो 150। तो यहाँ पे बिलो 150 स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि जिस टाइप का यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, प्राइस 257 एंड 380 को टेस्ट कर सकता है आने वाले कपल ऑफ मंथ के अंदर। एंड जैसे यहाँ पे 200 को ब्रेक करेगा, लाइफ हाई को जाकर डायरेक्ट हिट करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ राशियो चार्ट भी उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। एंड इसमें भी मल्टीयर का ब्रेकआउट आ सकता है जिस टाइप का प्राइस सेटअप यहाँ पे शो कर रहा है। तो डिकल वर्सेस निफ्टी 500 का राशियो चार्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमको क्लियर कट सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ पे एक बड़ा टाइम फ्रेम का रिवर्सल या आउट परफॉर्मेंस आ सकता है आने वाले कपल ऑफ मंथ या कपल ऑफ ईयर तक। देखिए आपके स्क्रीन के सामने अभी राशियो चार्ट ओपन हो गया है डिस्मन कार्बोजन वर्सेस निफ्टी 500 का। एंड राशियो चार्ट देखिए एग्जैक्टली उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। प्राइस देखिए जब भी इस ब्लू लाइन के आसपास जा रहा है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड फाइनल देखिए प्राइस यहाँ पे एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है। देखिए अभी तक राशियो चार्ट ब्रेकआउट नहीं किया है, लेकिन जैसे ही प्राइस यहाँ पे रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा ना, तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे मल्टी मंथ या मल्टी ईयर का आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकता है। देखिए राशियो चार्ट इस रेंज के अंदर अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसे ही रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा, यहाँ पे मल्टीयर का डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट आ जाएगा, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम अभी बचा हुआ है। लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर में जिस टाइप का अभी हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस का साइन ऑलरेडी आ गया है। बिलो 150 हम यहाँ पे एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस स्विंग लो एज पर द प्राइस स्ट्रक्चर। एंड एज यूजुअल हमेशा से आपका क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।